हेलो, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? भावना गुटफील में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अभी बनाने जा रही हूँ कलौंजी और जीरे के बहुत ही ज़्यादा खस्ता नमक पारे, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो मैंने एक कटोरी लिया है ये मैदा, आप इसकी जगह पर गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हो। तो एक कटोरी है ये मैदा, तो इसमें हम डालेंगे कलौंजी। ये कलौंजी आपके पास है तो आप डालिए। ओके, तो मैं इसी के आज नमक पारे बनाऊंगी। तो ये आधा चम्मच ली है मैंने, तो कलौंजी इसमें डाल देते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, हाफ स्पून ही डालेंगे इसमें नमक। तो नमक मैंने डाल दिया है और हाफ स्पून ही डालेंगे इसमें जीरा क्यूमिन सीड। और इसको होल बना लेते हैं इसको मिक्स करने के बाद में। और ये एक बड़ा चम्मच लिया है मैंने ये कुकिंग ऑयल, जो भी आप यूज़ करते हो आप उसे डालें। और इस सबको डालने के बाद में इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं, ताकि सारे आटे में जो हमने मसाला डाला है, नमक डाला है, जीरा डाला है और जो ऑयल डाला है, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरह से आप इसे मिक्स कीजिए। तो अच्छी तरह से आप इसे मिक्स कर लीजिए, ताकि ऑयल आटे में अच्छी तरह से लग जाए। तो इस तरह दबाने से इस तरह का डो बनेगा। तो इसका मतलब है कि आपका जो ऑयल है वो आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसका एक पूड़ी वाला आटा बनाएंगे। जिस तरह से पूड़ी का आटा होता है टाइट, तो उसी तरह से पूड़ी वाला एक आटा लगा लेते हैं। तो आप पानी एक साथ में डालें, धीरे धीरे डालें, थोड़ा थोड़ा करके ज़रूरत के हिसाब से। तो इसको हम आटा लगा लेते हैं पूड़ी वाला। तो आटा मैंने इसका लगा लिया है और आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने इस तरह का आटा लगाया है, जिस तरह की पूड़ी का आटा होता है, थोड़ा सा टाइट। तो इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। तो 5-6 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं पहले। तो 5-6 मिनट हो गए हैं, आटा एकदम सेट हो गया है। और देखिए, इसके अंदर छोटे छोटे वाइट वाइट से स्पॉट आ गए हैं। तो बस इसे थोड़ा सा मल लेते हैं। तो इसी किचन फ्लोर पर बनाऊंगी मैं। तो इसे साफ मैंने कर रखा है पहले से ही, लेकिन एक सूखे कपड़े से और दोबारा से पोंछ लेती हूँ। और इस पर हम थोड़ा सा इसे गूंथ लेते हैं, ताकि ये थोड़ा सा चिकना हो जाए। तो मैंने इसे गूंथ लिया है और देखिए, पहले से ज़्यादा अच्छा चिकना हो गया है ये। और इसके बाद में हम इसके दो पार्ट कर लेते हैं। इसके टू पार्ट करने के बाद में हम इसकी इस तरह से लोइयां बना लेते हैं। तो दोनों की लोइयां बना लेंगे, इस तरह से बना लेंगे। तो दोनों की मैंने लोइयां बना ली हैं। अब क्या करना है, अब इसको बेलना है हमें, बिल्कुल एकदम पतला बेलना है। तो इसे बस बेलेंगे पतला, जितना हम इसे पतला बेल सकते उतना बेलेंगे। और इसको एक रोटी की फॉर्म में बेल लेते हैं, इस तरह से रोटी होती है। तो आप इन दोनों रोटियों को पतला बेल लीजिए इस तरह से। इस तरह से बेलेंगे। तो मैंने इसे पतला बेल लिया है और इसे रख लेती हूँ एक प्लेट में। और फिर इसको भी इसी प्रोसेस से बेल लेती हूँ। तो मैं इसे उठा के इस प्लेट में रख लेती हूँ। तो दोनों रोटियां बेल लेते हैं। तो मैंने दोनों रोटियों को पतला बेल लिया है, आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल पतला बेला है मैंने और दोनों रोटियां बेल के एकदम रेडी हैं। तो अब हमको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस पर ऑयल लिया है मैंने, ये थोड़ा सा ऑयल डालना है और इसे पूरी रोटी को ऑयल से ग्रीस कर लेना है। तो इसे इस तरह से ग्रीस कर लेंगे, सारी रोटी पे ऑयल लगा लेते हैं। तो सारी रोटी पे मैंने ऑयल लगा लिया है। और ऑयल लगाने के बाद में हमने ये थोड़ा सा सूखा आटा लिया है, तो इस पे थोड़ा सा आटा हम छिड़क लेंगे और इस आटे को भी ऑयल के ऊपर लगा लेते हैं। और आटा लगाने के बाद में जो दूसरी रोटी मैंने बेल के रखी है, उसे भी जस्ट इसके ऊपर ही डाल देंगे। तो मैंने इसे भी डाल ली है। और इसके बाद में फिर हमको इस ऑयल लगा लेना है थोड़ा सा इसके ऊपर। तो ऑयल लगाने के बाद में दोबारा से इसी तरह से हमें इस पर आटा छिड़कना है। आटा छिड़कने से जो भी निमकी बना रहे हैं आप, नमक पारे बनाने बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनते हैं। तो इसको करने के बाद में अब क्या करना है, इसे मैं हाफ इसे मोड़ देती हूँ थोड़े से और थोड़ा सा इस पर भी ऑयल लगा लेते हैं। और आप इस जितनी भी इसे तोड़ के मोड़ के आप इसे बेलना चाहते हैं बेल सकते हैं, इसमें उतनी ज़्यादा अच्छी लेयरें आएंगी। तो इस तरह करने के बाद में इस पर भी ऑयल लगा लेते हैं। और इस तरह से मैंने इसे कर दिया है बंद। और इस तरह से अब हमें इसी शेप में इसे बेलना है, तो इसे बेल लेते हैं। इसी तरह से बेलेंगे इसे।
तो मैंने इसे लंबा बेल लिया है। बेलने के बाद में फिर उसी प्रोसेस से आपको इस पे ऑयल लगाना है और थोड़ा सा आटा छिड़क लेना है। बस आपको दो चार बार ऐसे ही फोल्ड करके इसे बेल लेना है ताकि इसमें अच्छे से लेयर आ सके। तो बस ऐसे ही हम दो तीन बार इसे मोड़ मोड़ के बेल लेते हैं ताकि इसमें अच्छी लेयर आ सके। तो मैदा छिड़क लेंगे ऊपर से। छिड़कने के बाद में फिर इस तरह से करेंगे हम, फिर इस पे और लगा लेंगे, फिर इसे यहाँ पर लगा देंगे ओके, और फिर इस पे और लगाएंगे और फिर इसकी बना लेंगे एक पट्टी ओके। इसकी एक पट्टी लगा के और इसे हम थोड़ा सा पतला बेल लेते हैं। तो मैंने इसे बेल लिया है तो इसके अब टू पार्ट कर लेते हैं ताकि ये थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है तो थोड़ी छोटी हो सके। तो पहले ये वाला पार्ट हम लंबा बेल लेते हैं, इसके बाद में हम ये वाला पार्ट बेलेंगे। तो दोनों को पतला बेल लेते हैं। तो मैंने इसे लंबा बेल लिया है, इसके बाद में बस सेम प्रोसेस, थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, थोड़ा सा सूखा आटा, ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा लगाना है बस। लास्ट ये आपका फोल्ड है, तो बस इसको फोल्ड करने के बाद में बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसे बेलना है और फिर इसके हम पीसेस कट करेंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा बेल लेते हैं। तो बस फाइनली अब इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करूंगी। बस आप जितने भी इसके पीसेस चाहते हैं, छोटे बड़े आप काट सकते हैं। तो मैं इसे बस छोटे छोटे पीसेस में कट करूंगी क्योंकि ये फ्राई होने के बाद में थोड़े बड़े हो जाएंगे। तो बस इसी तरह से मैं कट करूंगी और आप देख सकते हो इसकी जो लेयर है, इसमें करीब 8-10 लेयर आई हुई है, वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। तो इसको काट काट के बस इसी तरह से रेडी कर लेना है। अब उनको बिल्कुल नहीं बेलना है, बस इसी तरह से सबको रेडी करेंगे। तो बस इसी प्रोसेस से सबको बेल के और इसी तरह से कट करके रेडी कर लेना है। तो मैं सबको एक थाली में रख लेती हूँ और इसी तरह से कट करके रख लेना है, बेलना नहीं है उसके बाद में। तो सभी को मैंने बेल कर काट के रेडी कर लिया है, तो सबको रख लेते हैं प्लेट में ओके। और अब इसको हम फ्राई करेंगे और आपको दिखाएंगे कितने बढ़िया नमक पारे बनते हैं आज के। तो सबको मैंने बेल के रेडी कर लिया है काट के, तो इसको फ्राई करते हैं पहले। तो गैस चालू कर दिया है मैंने, ऑयल रख दिया गर्म होने, तो हल्का हल्की सी स्मोक इसमें से आने लगा, स्टीम आने लगी है। तो बस डालना शुरू करते हैं नमक पारे इसमें, तो डाल देते हैं जितने एक बार में आसानी से आ जाए उतने आप डाल दीजिए। तो जितने एक बार में आसानी से अगर मैंने इसमें डाल दिए हैं और आप देख सकते हैं कि ये इसको मैं पलट रही हूँ और इनका हल्का गोल्डन कलर आ गया है। बस इतना ही सेकना है, ज़्यादा नहीं सेकना है इन्हें। तो बस जाली पर निकाल लेते हैं और देखिए बहुत ही बढ़िया बने हैं। और आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर करें, जब आप एक बार इसे ट्राई करेंगी तो इसे आप बार बार बनाएंगी। तो सारे नमक पारे सिक्के हो गए हैं एकदम रेडी और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बने हैं, एकदम दुकान की तरह, जैसे कि मार्केट से लेके आते हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही बने हैं। लेकिन आप जब इनको खाओगे तो ये बहुत ही ज्यादा खस्ता, कुरकुरे और सॉफ्ट है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बस यू टेक केयर, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप आज पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस डालती रहती हूँ, एकदम यमी यमी टेस्टी टेस्टी। तो बाय सी यू, मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। और आप इसे एक बार बना के रख लीजिए पूरे 15-20 दिन तक, इसे ये खराब नहीं होंगे बिल्कुल भी। और जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगती है या फिर आपके बच्चे कुछ खाने के लिए मांगते हैं एक्स्ट्रा, जैसे बिस्किट नमकीन वगैरह, तो आप उसे इस तरह के दे सकते हो बना के, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में ये।